का इकलौता चिराग आज छठ महापर्व के नहाय खाए के दिन चला गया। उस पूरे परिवार की पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा। मेरा भतीजा था जो तालाब में नहाने गया था, उसी तरह किसी तरह पानी में डूब गया। इकलौता चिराग था। कितने बहनी थे इसके? दो बहन एक भाई और ये अकेले भाई। हाँ, अकेला था। जिस छठी मैया से लोग अपने ओजस्वी तेजस्वी है ना पुत्र की मांग करते हैं, आज उनके घर से चिराग को छीन लिया गया है। कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली ये खबर है। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। छठी मैया से लोग अपने पुत्र के सुख समृद्धि और संपन्नता की कामना करते हैं, लेकिन अचानक किसी घर के इकलौते चिराग का चला जाना उस परिवार पर कितना पीड़ादायक बता रहा होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। वो भी आज छठ के नहाए खाए के दिन अचानक उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, इन परिवारों से हम बातचीत करेंगे। ये लोग नालंदा जिले के नालंदा थाना क्षेत्र के हैं और इन्हीं के घर में आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये बताएंगे, कहाँ घर हुआ आपका भैया? सरवलपुर। क्या घटना घटा आपके घर में आज? वही मेरा भतीजा था जो तालाब में नहाने गया था, उसी तरह किसी तरह पानी में डूब गया। कितना उम्र का बच्चा था? 12 साल। 12 साल का। कितना भाई था वो? एक ही भाई था। उसकी माँ कहाँ थी? वो मायके गई थी अपनी। मायके गई थी। अच्छा, आज तो छठ का नहाए खाए दिन है ना, क्या करने गया था ये? वो नहाने के लिए, मतलब कि नहाने के लिए गया था। मतलब और तो गांव वाला बच्चा नहा रहा था, वही देखने के लिए गया। वैसे बच्चा है तो मन करने लगा नहाने के लिए, नहाने के अंदर मतलब बाइट फिसल गया। छठ व्रतियों के साथ ये लोग भी गए थे स्नान करने के लिए है ना, उसी दौरान सीढ़ी से पैर फिसल गया है ना, उसके बाद इसकी मौत हो गई। आप लोग हॉस्पिटल लेकर के आए, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब इसे मृत बता दिए। क्या नाम हुआ आपका? बंटू कुमार। क्या नाम है उस बच्चे का? अश्मित कुमार। पिताजी क्या करते हैं उसके? बाहर में रहते हैं। कितना साल का बताया बच्चा? 12 साल का। 12 साल है ना, समझ सकते हैं। अश्मित है, सरवलपुर गांव का वो रहने वाला है। आज से 12 साल पहले उसकी माँ काफ़ी मन्नत करके भगवान से अपने पुत्र को मांगी थी, लेकिन 12 साल बाद आज छठ के नहाए खाए के दिन उनके पुत्र को छीन लिया गया। आप खुद समझ सकते हैं कि वो परिवार पर क्या बीत रहा होगा। पूरे गांव में आज छठ का माहौल था, लोग पूरे उत्साह से है ना, पूरे धूमधाम से छठ महापर्व मना रहे थे, लेकिन अचानक जब ये गांव में खबर फैली कि एक बच्चा तालाब में डूब गया, फिर पूरे गांव में मातम पसर गया है। अब तो गांव में थोड़ा सा है ना मातम अलग माहौल हो गया होगा। हाँ, जो पहले उत्साह पहले जैसा थोड़ी ना रहेगा। पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा तो नहीं रहेगा। नहीं, वो भी घर का इकलौता चिराग। घर का इकलौता चिराग था। कितने बहनी थे इसके? दो बहन एक भाई और ये अकेले भाई। हाँ, अकेला था। दो बहनों का इकलौता भाई था अस्मित, और वो आज छठ व्रतियों के साथ श्रद्धालुओं के साथ तालाब में स्नान करने गया था, इसी दौरान सीढ़ी से पैर फिसल गया उसका और वो तालाब में डूब गया। आनन फानन में जब डूबने की खबर गाँव वालों को लगी तो वो लोग उसे किसी प्रकार से तालाब से निकाले, सदर अस्पताल में उसे भर्ती भी किया, लेकिन डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर दिए। और ये दुर्भाग्य रहा कि उस घर का इकलौता चिराग आज छठ महापर्व के नहाए खाए के दिन चला गया। उस पूरे परिवार की पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा। कितनी हृदय विदारक ये घटना है, क्योंकि जिस छठी मैया से लोग अपने ओजस्वी तेजस्वी है ना पुत्र की मांग करते हैं, आज उनके घर से चिराग को छीन लिया गया है। कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली ये खबर है ना। हम भी लोगों से अपील करेंगे कि आप अगर छठ घाट पे जाते हैं और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए, और सावधानी बरतने से कहीं ना कहीं आप सुरक्षित रहिएगा।